हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस की मंथली मैगजीन मार्च 2024 की। इसमें गाइस आज हम इकोनॉमी सेक्शन के सारे ही टॉपिक्स को कवर करते हैं, और जैसा कि हमने पॉलिटी एंड गवर्नेंस का टॉपिक कवर कर लिया है, आप जाके प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस कवर कर लिया है, वो भी देख सकते हैं। जो भी चैनल पे नए लोग हैं, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। और पिछले पूरे ही 2 साल की वीडियोस प्लेलिस्ट के साथ मंथ वाइज आपके साथ डाली गई हैं, जाकर अपने करंट अफेयर प्लस स्टैटिक पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब हम टॉपिक को बात करने जाएंगे, इस पे बात करेंगे हम पेटेंट्स के बारे में। गाइस, पेटेंट्स क्या होता है, किससे जुड़ी क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या प्रोविजंस हैं, वो सारा ही आज हम इस टॉपिक में बात करने जाने वाले हैं। देखो, पेटेंट का अमेंडमेंट रूल हुआ 2024 में, इसमें कुछ अमेंडमेंट लेकर आए गए हैं, जिसको नोटिफाई कराया गया है बाय द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री करते हैं। ओवर 1 लाख जो पेटेंट है वो ग्रांट किए गए हैं बाय द पेटेंट ऑफिस, और 7 पोजीशन इन टर्म्स ऑफ द रेसिडेंट पेटेंट जो कि फाइल कर रहे हैं। अच्छा, पेटेंट में क्या है कि 1970 का एक्ट था, उसको बेसिकली अमेंड करा गया है। इसमें ना ये कह रहा है कि सेक्शन 159 था इस एक्ट में, जिसको एम्पावर करा गया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई इसमें ना इम्प्लीमेंट करा जाए और इसमें पेटेंट के एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ रेगुलेशंस लगाई जाए। तो पेटेंट में क्या करा गया, क्या अमेंड करा गया, पेटेंट के रूल्स 2023 का, क्योंकि इसका काम है और बहुत ज़्यादा ध्यान गवर्नमेंट इस समय दे रही है कि इनोवेशन को प्रमोट करो एक तो, दूसरा इन्वेंटर्स और क्रिएटर्स को अच्छा प्लेटफॉर्म, एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट दो जहाँ पर वो कर पाए। देखो, आइडियाज मुझे कुछ अच्छे आए और मैंने उस पर अपना पेटेंट राइट करा लिया, मैंने क्योंकि कुछ ऐसा डिस्कवर करा। अब मान लो उसको उस पर प्री प्रोविजन रेगुलेशन के अच्छे हो ही ना, तो मुझे कितना प्रॉब्लम होगा, है ना। तो इन्वेंटर्स और क्रिएटर्स के लिए कंड्यूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए ही किया गया है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि की प्रोविजन जैसे कौन कौन से रूल 2024 के अंदर डाले गए हैं, तो कह रहा है पहला की प्रोविजन डाला गया है सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेंटरशिप, यानी कि इंट्रोड्यूस करा गया है, एक्नॉलेज करा गया है इन्वेंटर्स का कंट्रीब्यूशन पेटेंटेड इन्वेंशन में। दूसरा, टाइम लिमिट की बात करी गई है कि फॉर फाइलिंग रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन टाइम लिमिट जो है वो 48 मंथ से 31 मंथ कर दी गई है। टाइम लिमिट टू फर्निश फॉरन एप्लीकेशन फाइलिंग डिटेल्स, उसको चेंज कर दिया गया है, 6 मंथ्स टू 3 मंथ्स करा गया है। यानी टाइम लिमिट एक तो फॉर फाइलिंग फॉर रिक्वेस्ट ऑफ एग्जामिनेशन वो कम किया गया है, सर्टिफिकेट इन्वेंटरशिप को दिया जाएगा, उसको एक्नॉलेज किया जाएगा। जो रिन्यूअल फी होती थी वो 10% रिड्यूस की गई है, एडवांस में थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मेड आप एटलीस्ट 4 ईयर्स में दे सकते हो। दूसरा, जो फ्रिक्वेंसी है टू फाइल द स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग ऑफ पेटेंट, उसको भी इन्होंने रिड्यूस करा है, 3 साल से 1 साल कर दिया है। तो मतलब ये सारी अमेंडमेंट आई है। अच्छा देखो, कन्वेंशन भी है इससे रिलेटेड की, और इंडिया देखो इन तीनों का ही पार्ट है, चाहे पेरिस कन्वेंशन है, जो पेरिस कन्वेंशन ऐसी पहली मेजर इंटरनेशनल एग्रीमेंट था जो हमारे इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, चाहे वो पेटेंट हो। पेटेंट का कोऑपरेशन ट्रीटी भी है, उसमें भी हेल्प करता है। बुडापेस्ट ट्रीटी 1977 है, इस ट्रीटी में प्रिस्क्राइब करा गया है डिपॉजिट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एट एनी इंटरनेशनल डिपॉजिटरी, ये सारा कुछ। अब ये कह रहा है जो पेटेंट है, गवर्नेंस है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, जो पेटेंट होता है ना, वो एक्सक्लूसिव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है जो ग्रांट किया जाता है किसी भी इन्वेंशन के लिए। प्रोडक्ट है, प्रोसेस है, नया तरीका है जिसमें कि हम कुछ ऐसा करते हैं, ऑफर करते हैं, नए टेक्निकल सॉल्यूशन देते हैं प्रॉब्लम्स के लिए। अच्छा, पेटेंट लेने के लिए टेक्निकल इन्फॉर्मेशन इन्वेंशन की डिस्क्लोज की जाती है टू ए पब्लिक इन अ पेटेंट एप्लीकेशन। पेटेंट प्रोटेक्शन का एक सीधा सा मतलब है कि इन्वेंशन को आप कमर्शली नहीं बना सकते हो, नहीं यूज कर सकते हो, नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ना ही इंपोर्ट कर सकते हो, ना ही और सोल्ड बाय अदर्स विदाउट द पेटेंट, और आप किसी को बेच भी नहीं सकते बिना पेटेंट के ओनर के कंसेंट के। तो ये सब काम पेटेंट प्रोटेक्शन के तहत किया जाता है। अब देखो, पेटेंट एक तरह का ना टेरिटोरियल राइट्स है। मतलब क्या है इसका कि एप्लीकेबल होता है कंट्री में, किसी रीजन में जहाँ पर ये फाइल किया जा रहा है, जहाँ ये ग्रांट किया जा रहा है। अब सवाल ये उठना चाहिए, क्या क्राइटेरिया है जिस क्राइटेरिया के तहत किसी इन्वेंशन को पेटेंटेबल माना जाएगा। देखो, एक तो वो नोवल होनी चाहिए, शुड बी नोवल। शुड बी नोवल का मतलब क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए। तो देखो, नोवल का मतलब क्या होता है बेसिकली, कि जैसे ना कोई आप किसी चीज को उपन्यास समझते हो, इस तरह का कुछ ऐसा लिखा हुआ है, एक उस तरह का चीजों में भी मिलता है।
एक ऐसा लाइक होना चाहिए आपका, समझते हो, ऑब्जेक्टिव, कुछ नया कुछ डिफरेंट नॉवल समझ सकते हो आप, कुछ नया कुछ डिफरेंट, जैसे कुछ नई नई किताबें लिखी जाती हैं, किताबों पे मिल जाता है, कॉपीराइट्स वगैरह लगाए जाते हैं, तो नॉवल का मतलब है कि कुछ नया कुछ डिफरेंट होना चाहिए। दूसरा, इसमें कुछ ना कुछ इन्वेंटिव स्टेप होने चाहिए, कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होनी चाहिए, ये किसी ऐसी इन्वेंशन में ना हो जो कि ऑलरेडी हो चुकी है या कोई पेटेंटेबिलिटी से एक्सक्लूड कर दी गई हो, उसमें नहीं होना चाहिए, तब तो आपको मिलता है। अच्छा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके कि हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, 1967 में आई है, सेल्फ फंडिंग एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, ग्लोबल फोरम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, 193 मेंबर इसके स्टेट्स हैं, बर्न कन्वेंशन के अंदर ये आता है। अब पेटेंट का रेगुलेशन इंडिया में कैसे होता है, ग्लोबली कैसे होता है? देखो, ग्लोबली तो ये ऑर्गेनाइजेशन है विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके की हेडक्वार्टर इन जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ये देखता है उसके रिलेटेड कन्वेंशन ट्रीटी को, रेगुलेट करता है पेटेंट और आईपीआर को, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का है वो अग्रीमेंट का पार्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया भी इसका विपो का मेंबर है, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मल्टीलेटरल अग्रीमेंट होते हैं, बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है ये ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज क्रिएटिविटी को, ट्रेड को बचाने और इसको ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स को खत्म करने में। इंडिया में क्या है, इंडिया में रेगुलेट होता है बाय योर एक्ट, पेटेंट एक्ट 1970, जिसको रिपील करा गया था, फिर भी बहुत बार ये अमेंड भी हुआ है, 2024 में भी देखो अभी अमेंड होकर आया हुआ है, तो अमेंड एक्सटेंडेड द प्रोडक्शन, पेटेंट प्रोटेक्शन को भी इन्होंने एनहेंस करा है। टाइम पीरियड जो पेटेंट का है वो 20 साल है। एज पर द एक्ट सर्टन चीजें हैं जो कि पेटेंटेड इंडिया में नहीं की जा सकती हैं, प्लांट है, एनिमल है, ये सब सारी बातें हैं। ये कह रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं, कौन कौन से ऐसे चैलेंज हैं जो पेटेंट से रिलेटेड इंडिया में मिलते हैं। वो सबसे बड़ा चैलेंज है अबॉलिशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलिएट बोर्ड के बारे में, यानी कि ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 के द्वारा ये किया गया था। ये फंक्शन करता है, बीन असाइन टू द कमर्शियल कोर्ट, हाई कोर्ट, जो अबॉलिशन किया गया स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स इश्यूज आर रिलेटेड टू आईपीआर, वो वाली बात है कि हमारे यहाँ पर कोई ऐसा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपीलेट बोर्ड जैसी चीज है नहीं, जैसे कमर्शियल कोर्ट हाई कोर्ट होते हैं, सिर्फ ट्राइब्यूनल्स है। अब ट्राइब्यूनल्स इतने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स इशू के लिए स्पेशलाइज नहीं है, सबसे बड़ी समस्या। सेकेंड समस्या, जानते हो, एवरग्रीनिंग ऑफ द पेटेंट, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो स्लाइड चेंज कर देती हैं और पेटेंट मांग लेती हैं, गारंटिंग देयर मोनोपोली ओवर द ड्रग, ये भी चाहती हैं, ये बताओ। फिर आप ना जो कंपलसरी लाइसेंसिंग की बात करते हो, गवर्नमेंट ने अलाउ किया ना समवन एल्स टू प्रोड्यूस, अगर आप कोई पेटेंटेड प्रोडक्ट यूज करते हो बिना पेटेंट के ओनर के, या कुछ ऐसा काम कर दिया है फॉर एग्जाम्पल, तो उसके लिए आपको कैंसर ड्रग के लिए, जैसे जेनरिक कोई ड्रग बना रहे हो, ड्रग कंपनी है, तो ग्रांट करना लाइसेंस वगैरह, जैसे नेक्स्ट कवर बनाया था कैंसर ड्रग है, तो अलाउिंग फॉर, ये भी एक चैलेंज है कंपलसरी लाइसेंसिंग वाला। हमारे यहाँ पता है क्या है, इतना ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है पेटेंट को, पूरा पेटेंट करा लेने वाले के लिए, कह रहा है एवरेज टाइम टेकन डिस्पोज करने में ऐसी एप्लीकेशन यूएस चाइना में 20 से 21 मंथ लगती है, पता है आपको, और हमारा जो है ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टाइम टेकन इन इंडिया, कह रहा है सोचो सिर्फ 1/3 टाइम तो 20-21 मंथ का लगता है, मतलब इतना लेंदी प्रोसेस है, इतने महीनों लग जाते हैं काम करने में, पूछो नहीं। फिर लो पेटेंट फाइलिंग इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, कह रहे देखो इंडिया में 34.4 पेटेंट्स पर मिलियन पॉपुलेशन में आ रही है, कह रहे देखो कितना कम है, हमारे इन्वेंटर्स ही नहीं है लाइक, कह रहा कोरिया में अंदर 4037 है, 20,579 जापान में है, इतना हाल बुरा है, कह रहा हमारे साथ समस्या जानते हो क्या है, सफिशिएंट मैन पावर का ना होना, फिक्स टाइमलाइंस का ना होना, प्रोसीजर्स का कंप्लीट ना हो पाना, ये सारी दिक्कतें हैं। तो कह रहा है ऐसा क्या किया गया, की इनिशिएटिव्स क्या लिए गए टू फैसिलिटेट फाइलिंग ऑफ पेटेंट्स इन इंडिया, कह रहा हमारे यहाँ नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी 2016 की है, उसमें हमने स्कीम बनाई है फैसिलिटेट स्टार्टअप्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन के लिए, एक्सपीडेट करने के लिए एग्जामिनेशन को, जितने भी स्मॉल स्टार्टअप आ रहे हैं, वुमेन इन्वेंटर्स, सब इस पे काम कर रही हैं, पेटेंट फैसिलिटेशन प्रोग्राम्स को रिवैम्प करने की ज़रूरत है, आईपी मित्रा है फॉर स्टार्टअप्स इन पेटेंट ट्रेडमार्क्स और डिजाइंस के लिए। फिर कंक्लूजन में ये क्या बोल रहा है कि पेटेंट एक बहुत बड़ा रोल निभाता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, तो अगर आप सोचो कि किसी की कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर जो चीज़ रोल निभा रही है
उसका प्रोटेक्शन कितना जरूरी हो जाता है। तो बहुत जरूरी है कि हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड रिसर्च को और जारी रखें, अकेडमी इंस्टीट्यूशंस इंडस्ट्रियल स्फेयर में पेटेंट्स की फाइलिंग को और कंट्री में बढ़ाने की जरूरत है। अब ध्यान रखो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड एक इंडेक्स भी आता है गाइस, बिल्कुल नहीं भूलना है। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स रिलीज इसका 12th एडिशन किया है। टॉप कंट्री जो इंडेक्स निकालती है उसमें यूएस, यूके, फ्रांस है। इंडिया की पोजीशन अनचेंज रही है, 55 इकोनॉमीज में 42 हमारा स्कोर है। आईपी इंडेक्स इज डिफरेंट फ्रॉम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स से अलग होता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को निकालने के लिए वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इंसीड इस पे काम करती हैं। इंडिया की पोजीशन 40 नंबर है आउट ऑफ 132 कंट्रीज इकोनॉमीज। ध्यान रखना दोनों का ही मामला, दोनों अलग हैं, दोनों को एक जैसा मत कर देना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स अलग है, उसमें इंडिया की रैंक 42 है आउट ऑफ 55 इकोनॉमीज। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स अलग है और आईपी इंडेक्स निकालता है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स रिलीज करता है। ये बिल्कुल नहीं आपको भूलने वाली बात नहीं है, बहुत ध्यान से सुनना है। इसीलिए आप ट्रेड सीक्रेट्स हैं, इकोनॉमिक स्पाइनेज भी है, तो एग्जिस्टिंग क्या क्या सिस्टम है, तो कह रहा लॉ कमीशन ने भी इससे रिलेटेड रिपोर्ट रखी है। तो ट्रेड सीक्रेट एक चीज होती है, यानी कि आपकी कोई बिजनेस इंफॉर्मेशन है जो बहुत कॉन्फिडेंशियल है, जो अगर बेची गई या कुछ ऐसा किया गया तो उससे आप बहुत बिगड़ सकती है बात। और रिलेटिवली न्यू एंट्रेंट्स क्या करते हैं, कोशिश करते हैं लेने की। इकोनॉमिक स्पाइनेज का मतलब भी यही होता है कि कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है आपकी है, फॉरेन स्टेट को अगर आप देते हो, डिलिबरेट एक्विजिशन ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनीज, गवर्नमेंट एंटिटीज टू बेनिफिट फॉरेन स्टेट्स को कहते हैं चोरी करना ना इन्फॉर्मेशन को बेसिकली, तो वो सारे के सारे इसीलिए यहाँ पर उसके लिए बनाए गए हैं। इंडिया में कोई सिंगुलर लॉ नहीं है, इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, स्पेसिफिक एक रिलीफ एक्ट है, रेलिवेंट प्रोविजन भारतीय न्याय संहिता के तहत लगता है। तो ये ध्यान रखना इससे रिलेटेड हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हम स्कीम करेंगे एक, क्योंकि इकॉनमी है, स्कीम तो एक आनी चाहिए। स्कीम है उन्नति 2024। उन्नति का क्या फुल फॉर्म है? उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम। न्यूज में क्यों था? यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव करा है। स्टेटस जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन का नॉर्थ ईस्ट इंडिया में उसको समझते हैं। कह रहा सबसे पहले समझो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होते हैं। कह रहा फॉर्मली 5 ऐसे स्पेशलाइज इकोनॉमिक जोन्स हैं जो कोई नॉर्थ ईस्ट रीजन में हमने हम उसको फॉर्मलाइज अप्रूव कर रहे हैं आउट ऑफ 4 विच आर नोटिफाइड। हाउएवर नन आपके आज भी अभी तक कोई भी ऑपरेशनल नहीं हुआ है। स्पेशलाइज प्रोडक्ट्स के लिए किए जाते हैं ये, हैंडलूम है, बैम्बो इंडस्ट्री है, नियरली 2/5 ऑफ बैम्बो स्टॉक इन इंडिया इज कॉन्सेंट्रेटेड इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, तो उसके लिए करा। रबड़ के लिए करा, केरला में सेकेंड रबर कैपिटल है इंडिया की। ध्यान रखना त्रिपुरा इज अ चीफ प्रोडक्शन हब, ये क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा गाइस। त्रिपुरा चीफ प्रोडक्शन हब है, उसको सेकंड रबर कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं आफ्टर केरला। पहली केरला है, सेकंड कौन है? त्रिपुरा है। किस चीज के लिए? रबर इंडस्ट्री के लिए। एमएसएमई का भी बताया जा रहा है। कनेक्टिविटी की बात की जा रही है कि टोटल लेंथ जो नेशनल हाईवे की है उसको इनहेंस किया गया है। इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बात की जा रही है। अब कह रहा है उन्नति 2024 के बारे में, मिनिस्ट्री जो काम करती है वो कौन है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है यानी गवर्नमेंट 100% फंड कर रही है। ये काम डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में इंडस्ट्री डेवलप करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। तो 10,000 करोड़ से ज्यादा पैसे 10 साल के लिए ऐसे लगाए जाएंगे। नोडल एजेंसीज में नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन काम करेगा। एक टर्म आया है कमिटेड लाइबिलिटी, इसका मतलब है वैल्यू ऑफ कितना आपकी सप्लाई की वैल्यू है और उस कंक्लूड करना, बट पेमेंट आर नॉट येट मेड। सोचो वैल्यू सप्लाई ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट सब जा रहा है लेकिन पेमेंट आज तक नहीं मिली है। तो अब क्या करा गया है उन्नति 2024 में, पार्ट ए पार्ट बी करके कुछ काम होंगे। इंसेंटिव दिए जाएंगे एलिजिबल यूनिट्स को, कैपिटल इंटेंसिव की सब दिया जाएगा। सेकेंड में इम्प्लीमेंटेशन की जाएंगी। अब पूछो ये सवाल, कौन सी इंडस्ट्रियल यूनिट्स इसमें एलिजिबल होंगी? तो कह रहा है कितनी भी नई इंडस्ट्रियल यूनिट, एक्सपेंडिंग यूनिट आ सकती हैं, जितना भी जाना चाहे। कमेंसमेंट में क्या होगा? प्रोडक्शन कर सकते हो विद इन 4 ईयर्स। डिस्ट्रिक्ट में जोन ए जोन बी बनाया हुआ है, एक इंडस्ट्री एडवांस्ड है, एक इंडस्ट्री बैकवर्ड है। ईयर मार्किंग की गई है फंडिंग की, 60% पार्ट ए के लिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का और 40% फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे करा गया है।
कवरेज का देखा जाए तो नेगेटिव लिस्ट है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग स्टेट, पॉजिटिव लिस्ट है सर्विस सेक्टर के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए वही आपका डीपीपी आईआईटी काम करेगा। अब उन्नति में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिर से सुन लो, इंसेंटिवाइज कैसे करा जाएगा। कह रहे कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव के लिए स्पेशल फाइनेंशियल बेनिफिट दिया जा रहा है एलिजिबल बिजनेसेस को, रन आइदर न्यू और एक्सपेंडिंग और मैन्युफैक्चरिंग, मिनिमम इन्वेस्टमेंट INR 1 करोड़ होनी चाहिए। सर्विस के लिए 50 लाख का ड्यूरेबल एसेट होना चाहिए। माइक्रो इंडस्ट्रीज के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए 50 लाख, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस दोनों के लिए। कैपिटल इंटरवेंशन कब मिलेगा, कब फाइनेंशियल रिलीफ मिलेगा, जब आपका लोन 250 करोड़ का हो तब। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस लिंक्स इंसेंटिव कब मिलेगा, फॉर न्यू यूनिट्स ओनली, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कर रखा है। ठीक है, तो कंक्लूडिंग फॉर्म में कह रहा है ये सब कुछ पता है, ये फाइनेंशियल इंसेंटिव दिए ही क्यों जा रहे हैं, ताकि बिजनेसेस जॉब्स क्रिएट हो, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस बढ़े, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग अच्छी हो जाए और हम एक सेल्फ रिलायंट और सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी की तरफ बढ़े, और हमारा आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करने के लिए हमें करना पड़ेगा। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कुछ और भी स्कीमें चलाई गई हैं, नॉर्थ ईस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है हमारे लिए, नॉर्थ ईस्ट से यू कैन एक्सपेक्ट मैनी क्वेश्चन। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे सब कुछ हम कर रहे हैं इस समय, सेंट्रल सेक्टर स्कीम चला रहे हैं हम, रोड्स अच्छी कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल सेंट्रल सेक्टर स्कीम चला के डिप्राइव्ड एरिया के लोगों को वहां पर ठीक कर रहे हैं, हीरा वहां पे चलाया गया है, हाईवे, इनलैंड वाटरवेज, रेलवेज एंड एयरवेज का डेवलपमेंट चल रहा है। डिजिटल नॉर्थ ईस्ट विजन 2022 है, इसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सर्विसेज को प्रमोट करा जा रहा है। एक ये है कि इसमें भारत माला परियोजना, माला वगैरह, भारत माला परियोजना फेस चला रखा है यहाँ पर, तो ये सारी स्कीमों के बारे में पता होना चाहिए आपको। और लेट्स कंक्लूड बाय द लास्ट टॉपिक ऑफ द इकोनमी, दैट इज इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024। न्यूज में क्यों रहा, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम इंट्रोड्यूस करी है, ताकि हम अडॉप्ट करने लग जाएं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एक्सलरेशन बढ़ती चली जाए। तो मिनिस्ट्री ने फॉर्मुलेट करा है, रिव्यू करने के बाद Phase 2 फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड व्हीकल्स का। Phase 2 इसका 2019 में लॉन्च हुआ था आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ Phase 1 लॉन्च इन 2015। EMPS क्या है, EMPS का मतलब है आपका कि आप बेसिकली इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम ला रहे हो 2024 की में क्या है, कह रहा फंडिंग एंड टेन्योर के बारे में, फंड लिमिटेड स्कीम है, 500 करोड़ का आउटले है 4 महीने के लिए, 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 जुलाई 2024 तक काम चलेगा। और इसका पता है करने का क्या वजह है, ये चाहते हैं सड़कों पे इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर 3 व्हीलर चलें, हम ज्यादा से ज्यादा अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग इको सिस्टम को अच्छा कर लें। हमारी ये भी बड़ी कामना है कि हम 3.72 लाख ईवी व्हीकल्स को सपोर्ट करें। फिर एलिजिबल कौन है, ग्रेटर एम्फेसिस देखो हमारा क्यों है, ये सब करने का वजह अफोर्डेबल इन्वायरमेंट फ्रेंडली पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन चाहते हैं, क्योंकि हम इसीलिए लेकर आ रहे हैं हम 2 व्हीलर 3 व्हीलर ई व्हीकल्स कमर्शियल पर्पजेस के लिए, प्राइवेटली और ओन करने के लिए भी, और ज्यादा से ज्यादा हम बेनिफिट भी दे रहे हैं, जो ऐसे व्हीकल्स खरीद रहे हैं ना उसको हम ज्यादा से ज्यादा एडवांस बैटरी, फिट बैटरी भी दे रहे हैं, सब्सिडी दी जा रही है इन पर कंज्यूमर्स को, खरीदो आप देखो आपको फायदा ही फायदा होगा, रिम्बर्स किए जाएंगे, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर्स भी करे जाएंगे। तो IEC इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन की जा रहा है, तो गवर्नमेंट का बड़ा ध्यान है इस समय एक सिस्टम को क्रिएट करना, ताकि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो है आपके, वो आपके डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को अच्छा करते हैं। फेम इंडिया करके एक स्कीम है, रैशनलाइजेशन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे GST 12% to 5%, चार्जर चार्जिंग स्टेशन पे 18% से 5%, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ताकि ये आपके इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टैंडर्डाइजेशन के रोड मैप को अच्छा कर दे। इस सारी की सारी स्कीमें चलाई जा रही हैं गाइस, ताकि क्या हो हमारे देश में सड़कों पे इन्वायरमेंट फ्रेंडली पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन आना शुरू हो जाए। राइट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला, हैव अ नाइस डे टू ऑल।